नीता अंबानी ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके प्यार में पागल मुकेश अंबानी इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मुकेश अंबानी नीता के साथ कार में जा रहे थे, तभी अचानक से बीच रास्ते में अपनी कार रोक दी। मुकेश अंबानी ने नीता से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सवाल सुनकर नीता हैरान रह गई और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी, आगे पीछे लंबा जाम लग गया था, पुलिस हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने नीता से कहा कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी यहीं पर खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे खड़े लोग बोल रहे थे कि कोई अमीर बाप की औलाद है जो सड़क से गाड़ी नहीं हटा रहा है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर खड़े लोग और पुलिस कुछ करती, नीता ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद मुकेश अंबानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन नीता अंबानी को पाना इतना आसान नहीं था। सीधे साधे दिखने वाले और कम बोलने वाले मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी बहुत ही तूफानी है, लेकिन नीता और मुकेश अंबानी की मुलाकात, प्यार और शादी कैसी हुई, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नीता को शुरू से ही डांस करना बेहद पसंद था। साल था 1984 जब नवरात्रि के दौरान मुंबई के बिरला मातोश्री में 20 साल की नीता को एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान धीरू भाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिला बेन ने देखा था। धीरू भाई अंबानी और कोकिला बेन ने पहली बार देखते ही तय कर लिया था कि लड़की हमारे घर की बहू बनेगी। अगले दिन धीरू भाई अंबानी ने शो के आयोजकों से नीता का फोन नंबर लेकर नीता के घर फोन किया और कहा कि मैं धीरू भाई अंबानी